आर्यस मास हमीरपुर ने वार्षिक उत्सव के दौरान हमीरपुर बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों ने हिस्सा लिया। हमीरपुर बाजार की परिक्रमा करते हुए आर्य समाज के पदाधिकारियों ने लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शोभा यात्रा के माध्यम से संदेश दिया। इस अवसर पर रूपलाल आर्य, पुरुषोत्तम शर्मा, मनोहर लाल शर्मा, पीसी वर्मा, ज्ञान मुनि, योग प्रकाश नंदा, तिलक राज शर्मा आदि मौजूद रहे। शोभा यात्रा के दौरान डीएवी स्कूल के नौनिहालों ने भी हिस्सा लिया। रिटायर्ड प्रिंसिपल पीसी वर्मा ने बताया कि आर्य समाज के द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये बाजार में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और आर्य समाज के नियमों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, ताकि एक जागरूक और सभ्य समाज का निर्माण हो सके। गौरतलब है कि आर्य समाज के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में 9 से 11 नवंबर तक देव पाठ यज्ञ भजन प्रवचन का आयोजन भी आर्य समाज मंदिर में किया जा रहा है। आर्य समाज हमीरपुर ने शोभा यात्रा निकाली है और आर्य समाज जिसकी इस समय समाज के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए जो आर्य समाज के नियम हैं, जो आर्य समाज का आधार है, उसको फैलाने के लिए ये वार्षिक उत्सव हम लोग करते हैं और उसके उपलक्ष्य में आज इसकी शोभा यात्रा निकाली है। उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है आर्य समाज का। आर्य समाज ने माओवाद के पश्चात समाज के अंदर जो आई हुई कुरीतियाँ उन सबका उन्मूलन किया। इसके साथ ही जो राजनीति में भ्रष्टाचार और धार्मिक लोगों में जो पाखंड आदि फैला हुआ, इन दोनों का ही निवारण आर्य समाज ने किया। कभी किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर तब शब्दों में कहा था, एक ओर पाखंड बढ़ रहा, एक ओर बेईमानी, नहीं किसी को चिंता, आर्य समाज को परेशानी। समाज में कहीं भ्रष्टाचार है, पापाचार है, कदाचार है, समस्त रूढ़ियों का और कहना चाहिए विकारों का समाधान आर्य समाज ने किया। वर्तमान समय में जो नारी जाति की उपेक्षा की जा रही है, इस पर दलितों को भी दृष्टि से देखा जाता है। इन समस्त जो है विकारों पर आर्य समाज ने अच्छा शोध किया और आर्य समाज का जो मूल है वो वेद है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। वेद के बिना संसार का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए किसी कवि ने कहा, चार वेद और मनु के ऊपर है जिनको विश्वास नहीं, आज नहीं तो कल परसों उनके वचने की आस नहीं। इसलिए आर्य समाज दुनिया को वेद के पथ पर लाने का प्रयास कर रहा है, ये एक संदेश देना।